Hello, students, and welcome back to bankexamstudy.com. My name is Ramandeep Singh. Students, today we have prepared IBPS RRB GBO Scale 2 and Scale 3 2023 exam ka question bank. So, students, uh, we have started this series. We are providing question banks in PDF formats to our students. This particular PDF is available for free. This particular PDF is available for free. We have done questions from IBC. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बहुत सारे एक्ट्स हैं सो वी हैव कवर्ड दिन दिस पी डी एफ यू कैन रीड दिस पी डी एफ इन द फाइनेंशियल अवेयरनेस कॉज इन द ट्रायल सेक्शन तो ये एक ट्रायल में आपको मिलेगा दिस इज दिस पर्टिकुलर पी डी एफ इज पार्ट ऑफ द डेमो कॉज इवन इफ यू आर नॉट अ पेड स्टूडेंट यू कैन रीड दिस फॉर फ्री ठीक है Uh, so let's start. Uh, you can also join the full course on bank exam, .com for IBPS, Plus R R B GBO scale 2 and scale 3. Uh, the links are available in the description. Uh, if you take a free trial, you can read this for free. You can take the full course in which we have taught IBC Banking Regulation Negotiable Instrument Act. एंड डॉक्यूमेंटेशन ये चार टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन एक ही जगह पर अवेलेबल हैं विच द फॉलोविंग इज नॉट ए नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट बड़े बेसिक्स से ले के वी आर स्टार्टिंग फ्राम बेसिक्स से ले कर हमने इंटरमीडिएट तक हमने क्वेश्चन करे हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन ना तो आते हैं नी तो वी डो इट बट देर आर क्वेश्चन फ्राम अमेंडमेंट अमेंडमेंट को आप एडवांस में कंट काउंट कर सकते हो अमेंडमेंट्स जो आती हैं वेदर इट इज नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अमेंडमेंट्स हैं, आई बी सी की अमेंडमेंट्स हैं, वी आर कवरिंग दैट इन दिस पर्टिकुलर पी डी एफ ठीक है फॉर एग्जाम्पल इंडोर्समेंट ये बेसिक क्वेश्चन है ये सारे बेसिक ही चल रहे हैं मूविंग फॉरवर्ड होल्डर इन यू कॉस्ट दीज आर ऑल बेसिक क्वेश्चन नॉट जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर देयर आर प्रॉपर एक्सप्लेनिशन्स हमने प्रॉपर एक्सप्लेनिशन्स दी हैं एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड वीडियोज़ फॉर दैट एज वेल इसकी प्रॉपर वीडियोज़ भी आपको मिलेंगी ऑन बैंक एग्जाम्स टोडे डॉट कॉम जो हमने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया भी है यू विल बी गेटिंग दैट ऑन बैंक एग्जाम्स टोडे डॉट कॉम ठीक है मूविंग फॉरवर्ड जो फ्रंट के आपको पंद्रह सोलह क्वेश्चन हैं यहाँ पे सी दिस टेंथ क्वेश्चन दिस इज एन अमेंडमेंट ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अमेंडमेंट में से आया है एट क्वेश्चन तक ये जो था आपके बेसिक क्वेश्चन चल रहे थे बेसिक्स ही चल रहा था लेकिन आफ्टर दैट देर वर अमेंडमेंट सो वो हमने करे हैं मूविंग फॉरवर्ड लेट मी जस्ट हाइड माई सेल्फ सो यू कैन चेक दिस इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन अमाउंट स्टेटेड अगेन दिस इज एन अमेंडमेंट ये भी एक अमेंडमेंट है दिस इज एन अमेंडमेंट सो ऑल दीज आर अमेंडमेंट्स इन केस ऑफ मेचोरिटी सो इन द बिगिनिंग वी आर डूइंग द बेसिक्स दैन वी मूव ऑन टू द इंटरमीडिएट्स एंड देन एडवांस एंड देन अमेंडमेंट इज अइंड ऑफ एडवांस लेवल के क्वेश्चन ही माने जाते हैं ठीक है सो टिल आई गेस वी डेट ट्वेंटी फाइव थर्टी क्वेश्चन फ्राम नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स पहले के क्वेश्चन थोड़े ईजी होते हैं एंड इवेंचुअली हम इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं वट इज अ मेचोरिटी पीरियड फॉर अ प्रोमिजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज पेबल ऑन डिमांड अकॉर्डिंग टू सेक्शन ट्वेंटी फोर ऑफ द नेगोशियेबल इंस्ट्रोमेंट एक्ट एटीन एटी वन सो डी है इसका आंसर द इंस्ट्रोमेंट इज ड्यू फॉर द पेमेंट इमिजिएटली अपॉन इट्स इश्यू तो ये सारी आपकी अमेंडमेंट्स ही हैं ठीक है हाउ मेनी डेज ऑफ ग्रेज आर प्रोवाइडेड थ्री डेज ऑफ ग्रेज आर प्रोवाइडेड फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड देन मूविंग फॉरवर्ड हमने इसमें लेबल्स लगा रखे हैं वंस वी स्टार्ट द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट दिस इज फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक क्वेश्चन पहले के चार पाँच क्वेश्चन वुड बी वेरी बेसिक फॉर एग्जाम्पल दिस ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन दिस इज फ्राम एन आर बी आई सर्कुलर दिस इज एन आर बी आई सर्कुलर आर बी आई सर्कुलर रिलेटेड टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सो वील बी कवरिंग दैट यहाँ पे अमाउंट ऑफ पेनल्टी अगेन एन आर बी आई गाइडलाइन ये एक आर बी आई की गाइडलाइन है दैट वुड बी एन एडवांस लेवल का क्वेश्चन फॉर श्योर ओके मूविंग फॉरवर्ड वट इज द मेन पर्पज ऑफ पी सी ए फ्रेमवर्क दिस इज ऑल्सो एन आर बी आई गाइडलाइन अंडर विच लॉज डू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कम अंडर द रेगुलेटरी एम्बेट ऑफ आर बी आई सो बोथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड बैंकिंग लॉज ओके मूविंग विद रेफरेंस टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट Which among the following are exclusively regulated by RBI? So, its answer uh, RRB, right? Uh, it's second, third, and fourth small finance bank, uh, payment banks, and uh, foreign banks with more than 20 branches. So, RRBs is bhi uh, regulate karta hai, right? So, Students Banking Regulation Act. Uh, we are starting from basics, then intermediate. दैन देर इज अडवास एंड वी आर डूइंग दमेंडमेंट पूरी अमेंडमेंट भी हम कवर करते हैं आफ्टर डूइंग रेगुलेशन एक्ट इवन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के देर आर ट्वेंटी क्वेश्चन मूविंग फॉर्वर्ड यहाँ पे वट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल इन बैकिंग कंपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स इन डेप्थ क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं वंस यू मूव फॉरवर्ड जैसे जैसे आप आगे चलते हो द डिफिकल्टी लेवल इंक्रीजेज ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं एंड दिस पर्टिकुलर पी डी एफ इज अवेलेबल फॉर फ्री अगर आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ लिया हुआ है अगर आप गो थ्रू हो चुके हो देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर पी डी एफ एज वेल आप इसको गो थ्रू करें लेट्स ये सारी पी डी एफ आप जो हैं मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा यू कैन रीड इट देयर आई आर ए सी प्रोडेंशियल नॉम्स के क्वेश्चन हैं बहुत सारे वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ सबस्टैंडर्ड एसिड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस ही हैं ऑल दीज क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है वट इज द मीनिंग ऑफ इनकम रिकग्निशन एज पर द प्रोडेंशियल नॉर्म्स प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्टर्स दैट बैंक कंसिडर विच ऑर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द आई आर ए सी नॉम्स इश्यूड बाई आई आर बी आई विच द फॉलोइंग इज एन आउटकम ऑफ नॉट कंप्लाइंग विद आई आर ए सी नॉम्स वेरी इंपॉर्टेंट मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रेडिट लिमिट रिव्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स विच आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लोन्स इज एक्जेम्प्ट फ्रॉम आई आर ए सी नॉम्स का रिक्वायरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सो लेट्स मूव फॉरवर्ड यहाँ पे एक अगला भी चैप्टर आएगा सो स्टूडेंट्स नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आई आर ए सी एंड आई बी सी All these important topics are there in this uh, particular PDF, and this PDF is available for free. Just go to bankexamstudy.com or link is available in the description. IBPS RRB scale 2 scale 3 GBO 2020 uh, 3 course. Just take a free trial. Just take a free demo. I would highly recommend you. demo Whenever you take this demo, you'll get a lot of free. Notes a lot of free notes, a lot of free classes, a lot of free study material. Uh, I can tell you that out of 40 questions, you'll find at least like 12 13 questions from our free notes. 12 13 questions from our free notes only, and you can expect like another 15 20 questions from our paid notes. I can assure you it's a high quality ke questions in this free study material, and we have also taught this in our.

Instead of buying random books from Amazon downloading random notes from here and there, always read the study material which is focused on your exam. You are not a researcher, you are a student. Don't waste your time on researching for the best study material. Let us do that job, let us do that dirty job for you. Sara material hum bana ke Don't try to waste your time in this thing. Let us do that for you and for demo this is these are the notes just go through them and if you ever feel like that these notes are you know uh, giving you immense value both valuable agar aapko notes then take the course that is my recommendation all the links are available in the description if there is any doubt in in your mind my whatsapp number is there 9067201000 you can ask your doubts here and i'm going to answer your doubts and that's all for today students thank you and have a very nice day bye bye